सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री वाली जी दा बोल भांजे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ तत्र महासुरेन्द्र सिंहासुरावण्यपुरागमस्ताम् कात्यायनेन्दुश्चभुरिष्टलाभात् विकाशभक्ताश्च विकाशिदासः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीदमात जगदखिलस्य प्रसीदेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतास्त्वमेकम् महीस्वरूपेण गतः स्थितासि अपां स्वरूपासि धिया द्वयेतत् आप्यायते कृष्णमलाङ्घ्रवेयम् त्वं वैष्णवेशक्तिहरान्धवेया विश्वाच बीजं परमाधिमाया सम्मोहितं देवि समासमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता स्तव देवि भेदः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेदत् का ते सुभ्यपराभरोक्तिः सर्वभूताय दादेरि स्वर्गमुक्तिपदायिनि त्वं सुधा सुदेका वा भवन्तो परमप्रियः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हे संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये जम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते शिष्ये सुवीरिराजानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाशरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाविषवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते
मयूर कुक्कुट भृत महाशक्ति दयनने कौमारी संस्थाने नारायणि नमस्ते शंख चक्र गदा चारंगृहीत परमायते प्रसीद वैष्णवी रूप नारायणि नमस्ते गीतौग महाचक्र दक्षोदसुन्धरे वराहलोपिनी शिव नारायणि नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तु नित्याङ्गि दध्यमे त्रैलोक्यतानसहिते नारायणि नमस्ते कीर्तने महावज्र सहस्रनयन जले वृत्रप्राण हरे चन्द्रे नारायणि नमस्ते शिवदूते स्वरूपेण हतरत्या महाभले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्ते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डपदने नारायणि नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शब्दे पुष्टिसदे ध्रुवे महाराजे महाविद्ये नारायणि नमस्ते मेरे सरस्वती वरे भूतिभ्रमितामसि नेत्रत्वं प्रथिरेशे नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्ते हे सत्यवरुणं सौम्यं दौजभूषितम् अधुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्ते ज्वालाकरालमत्रुद्रशेषासुरसूधनम् त्रिशूलं वादुनो वीरे भद्रकाली नमस्ते हिनाक्षीदैतेनाधिस्वरेणा पूरया जगत् सा गण्डा वादुनो देवी भाव्यभ्यो नः तदानिव असुरा सिग्वसा भङ्गजर्जितस्य गरजला शुभाय खलगो भवतु चण्डिकेतां नदा भयम् रोगान् शेषानपहन्सि तुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नलानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यात् कलनां त्वयाद्य धर्मादिषां देवि महासुराणां रूपे अनेकैर्बहुधात्ममोदिं विद्वाम्बिकेतत्त्वकलादिगान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगादनन्या ममान्धकरतेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ये तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्तो कविशाब्जनागा यत्रारयोजस्य बलानि यत्र गावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थितात्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरेदं परिपासि विश्वम् विश्वाग्निगाधारयसे विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाय द्वै भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनार्भेद नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगदा प्रशमं नयासु उत्पाकपाकजनिता शमहापसर्गान् प्रणाम् प्रसीदत्वं देवि विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यादिनामीलोकानामरदा भव देव्यो वाच वरदाहं दुर्गदा वरं जन्म यच्छताम् कम्बजम्ब यच्छामि जगदामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य गिरेशनीम्
एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वारि विनाशनम् देव्यो वाच वेदस्य अन्तरे प्राप्त अष्टाविंशति मे युगे शुम्भजुम्बश्चेदे महासुरौ नन्दगोपक्रियजानाजशोदागर्भसम्भवा तदस्तो नाशयिष्यामि विञ्जाजलनिवासिनि पुनरप्यति रथेन रूपेण पृथवेतने अवश्यया निष्यामि व्यपजिप्तासुदानवान् पक्ष्यन्ताचुदानुग्रा व्यपजिप्ता महासुरान् रक्षादन्ता भविष्यन्ति दादिमेकसमापमाः ततो मां देवतः सर्वे मर्त्यलोके च मानवाः सुमन्दो हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च चतुर्भाषिक्या मना वृष्ट्या मनभसि मुनिवे संस्तुता भूम सम्भविष्यामि यो नियम् तथा जलेन नेत्राणा निरीयिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन् विमर्या सदाक्षीमिति मान्दरः तथामगिरं लोकमात्मदेह समद्भवै वर्षामि सुरा जागेराविष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीजविज्ञानन्दरायस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाग्यमहासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जलादीवं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षामि वक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मा मुनिहा सर्वे शोचन्द्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यप्ते लोके महाभारं करिष्यति तदाहं ब्रामरं रूपं कृत्वा शङ्गेशपदम् त्रैलोक्यस्य विधाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरे नीर्यमानोगाशोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा धनमुत्था भविष्यति तदा तदाधीयाहं करिष्याम्यरि संशयाम् ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम कन्धाम् कन्या विगर्वारकेदविरसत् हस्ताभिरादेविताम् हस्ते चक्रगदाधिगेदविशिगाश् चापं गुणं दर्जने विभ्रामणरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिहेतां भजे ॐ देव्योवाच एलि सदेशमानित्यं सोजदेया समाहितः तस्याहं सर्वामादानादिष्यामि संशयां मधुकैलवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति हेतलवलं शुम्भनिशम्भयः अष्टम्यां च चतुर्दश्याम्यां जयगदतः शोषन्ति भक्त्या मम माहात्मोत्तमम् नादेशां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतथा न जापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैष्णवीयनम्
శత్రుతోయోగాభవిష్యతి తస్మాత్మ్యం సమాహితే శోకభ్యం చదా భక్త్యా పరం సహితాన్ మహామారీ సమద్భవాన్ మహాత్మ్యమయ్యన్మ్యమాయాదనే మమ సదానాద్యమోక్షామి సాధ్యం తత్రమే స్థితం పరిప్రదాయ పూజాయాగ్నికార్యే మహోత్సవే సర్వం మమే సజ్జలముచ్చారంశామ్య మే భజ జానదాయాన కావాపి బలి పూజాన్ దదాకితాం ప్రతిశిష్యాన ప్రీత్యా వన్ని హోమం దదాకితాం శరత్కాలే మహాపూజ క్రియతే యాజవార్షికీ తస్యామేతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తి సమన్వితః సర్వాభాధాపి నిర్ముక్త ధనధాన్యాన్ దదాన్వితః మనుష్య మత్ప్రసాదేన భవిష్యదేన సంశయః నిర్వ్యాపమాన్ సంక్షయం జాతి కళ్యాణం జవధ్యతే నందే కులం మహాక్షమతాం శాంతి కర్మని సర్వదు సప్తీరాసు మహాత్మ్యం శునయాన్ మమ గ్రహ పీడాశ్చిదారుణా దుస్వప్నం వేదిష్టం దుస్వప్నమపజాయతే బాలకః విభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం సంఘాతజేభ్యజనినాం హృదే కర్ణమత్తమం దుర్వృత్తానాం ఛేదానాం పరహానీకరం వరం రక్షభూతపిశాచానాం పరనాదేవనాశనం సర్వం మమేతన్మహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకం పశుపుష్పాగ్రధూపే చ గంధదీపే తదత్తమే విప్రాణాం భోజనే హోమే పక్షేయరః నిజం అన్యజావిర్యే లోకే ప్రదానే వత్సరేణయా ప్రీతిమేక్యతే సాప్యం సగ్రే సోజరిదేశతే శుకం హరతి పాపాని తదారోగ్యం ప్రయచ్చతి రక్షాం దరాతి భూతేభ్యో జన్మనాంగేతనా మమ యుద్ధే జ్యోతిర్భం జన్మే దుష్టభ్యర్థనివాహనాం కస్మిజ్జుదేదైరిగ్రితం భయం పుంసాం నయాయతే యుష్మావీర్తుయో యాచ బ్రహ్మశ్వీకృతాః బ్రహ్మణా చాతాసు ప్రయచ్ఛందేషు వామనే అరణ్యే భాంగరే వారి నావర్భీ పరివారితః దస్వీర్వాదాశూన్య గృహేతోపి శత్రువి శ్రీమద్యానుయాతోనే వావనహస్తిభి రాక్షాగృత్యమే జాగ్రత్త వర్జబంధగతోపి వా ఆగూణితో వాగేణ భూతే మహానవే రథశ్రూజాపి శబ్దేషు సంగ్రామే విషదారుణే సర్వాబాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యాసితోపి వా స్మరణమే సజ్జలం నరముజ్జేత సంగటాత్ మమం ప్రహాలా సింహాజాస్య భోగైరినస్తా దూరాయేవ ఫలాయంతే స్మరతజ్జలితం మమ ఋషిర్వాచ ఇత్యుక్తాశ భగవతి చండికా చండ విక్రమ పశ్యతామేవ శేలానాం తద్దే భాండరదీహత నిరాతంకా స్వాధికారాయపురా యక్షభారభుషా సర్వే చక్రునిహతారయః దేవ్యాచే శుంభే దేవీ జగద్విధ్వంసేతే మహాగ్రేసర విక్రమే నిశుంభే చ మహావీర్య శేజ పాతాళమాయయుః ఏవం భగవతి దేవి సాధిత్యాపి పునః పునః పరిపాలనం జన్మయతే విశ్వం దేవ విశ్వం ప్రసూయతే సాధ్యాయ విజ్ఞాన దృష్టారిద్యం వయచ్చతి
ब्रह्मांडमयेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारे सदोपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टि भवत्या सिद्धिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भूतकाले नाम सेवा लक्ष्मे विद्ये पदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुषा सम्भोजिधा पुष्पे धूपगन्धादि विस्तरा कदाचिदित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्षामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचम् नागधातोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् नासोक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासोनजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठवलम् लभेत् अधिभूयतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् बृहत्तेन स्वयोजीव पार्वती मारणम् मोहनम् वज्रम् सम्भवजाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्रों ह्रों क्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं लं लं जं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैलवहारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्ते जनिशुम्भासुरघातिने जाग्रतमयी महादेवी यमम् सिद्धम् करिष्यमे अहङ्कारि सृष्टिरूपाय अहङ्कारि प्रतिपादिका क्लिङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाटी च एकारि वरदायिनि वृक्षेताभेदानित्य नमस्ते मन्दरूपिणि ध्वां ह्रीं ह्रूं दूर्यते पत्ने भ्वां ह्रीं भूमागदीश्वरी क्रां ह्रीं ह्रूं कालिका देवी शां ह्रीं सौम्ये शुभङ्करा हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भराधिने ब्रां ह्रीं ह्रूं भैरवे बद्धे भवान्येते नमो नमः अङ्गं चण्डङ्गं वं यं शं ह्रीं गुं ऐं ह्रीं अं शं धिराग्रं धिराग्रं प्रोदय प्रोदय वीतं कुरु स्वाहा पां ह्रीं हुं बालदेवो नाम घाङ्गे भोङ्गे जरे तदा सां ह्रीं हुं सप्तरवेलेभ्या मन्दसिद्धिं करिष्य मे इदन्तो कुञ्जिघासोत्रम् मन्दयाघर्दिहेतवे अमत्येनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती जस्तु कुञ्जिघा देवी हीना सप्तयदेम् भवेत् नातश्च जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामना की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा अवतुद्धारा सगम नमस्ते शरण्ये श्रेतानुगन्धे नमस्ते जगज्जापि देवेश्वरूपे नमस्ते जगद
पादारविन्द नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगज्जयमान स्वरूप नमस्ते महायोगि विज्ञानरूप नमस्ते नमस्ते सदानंद रूप नमस्ते जगत्तारिणी अनाथ सदीन सदृशना दुरस्य दयात सभेद सवत्सयंतो त्वमेका गतिर्दे विनिस्तार कर्त्रे नमस्ते जगत्तार निस्त्राहि दुर्गे अरण्ये अपारे महादुःखरे जन्तघोरे विपत्ता हरे भजताम् देह भाजा त्वमेका गतिर्देवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे नमस्ते Yeah.
सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामह Yeah.
ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤ ਜਨ ਤੀਨ ਬਾਰ ਓਮਕਾਰ ਅੱਖੇ ਕਨਾਦ ਕਰੇਂਗੇ, ਏਕ ਸਾਥ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਲੰਬੇ ਸਵਰ ਸੇ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਵਾਸ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਯਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਹੇ ਮਾਂ ਇਨ ਪਦਮੈ ਸਤੋਤਰੋਂ ਸੇ ਯਦੀ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਕਤੀ ਕਾ ਲੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਉਸੀ ਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮਾਰੇ ਅਪਰਾਧੋਂ ਕੋ ਖਮਾ ਕਰੋ ਏਵਮ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਮਨ ਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਭਾਵ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤ ਜਾਨ ਤੀਨ ਬਾਰ ਏਕ ਸਾਥ ਓਮਕਾਰ ਅੱਖੇ ਕਨਾਦ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤਮ ਨਿਤਯੰ ਧਿਆਇੰਤਿ ਯੋਗਿਨਾ ਕਾਮਦੰ ਮੋਖਿਦੰ ਚੈਵ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯੋਗੀ ਜਾਨ ਬਿੰਦੂ ਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇਸ ਓਂਕਾਰ ਕਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮ ਏਵਮ ਮੋਖ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਥਾ ਇਸਕੇ ਆਦਿ ਏਵਮ ਅੰਤ ਮੇਂ ਇਸੀ ਅੱਖਰ ਕਾ ਗੁੰਜਾਯਮਾਨ ਸਦੈਵ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਅੱਖਰ ਕੇ ਜਾਪ ਸੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇ ਕਈ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀਓਂ ਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਵ ਅੱਖਰ ਓਂਕਾਰ ਮੇਂ ਆਕਾਰ ਓਕਾਰ ਔਰ ਮਕਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਏਵਮ ਮਹੇਸ਼ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਦਿ ਕੀ ਨਿੱਤ ਸਿਧੀ ਹੈ, ਤਥਾ ਬਿੰਦੂ ਸਰੂਪਾ ਅਰਧ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्था ही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्तय भूषितम पादुना सर्वभीतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी यह तीन लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य वो सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। ज्वाला काल मत्युग्र मशेषासुर सूदनम त्रिशूलम पादुनो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है।
हिनस्ती दैत्य तेजांसी सुनेना पूरी जा जगत सा घंटा पातु नो देवी पाप्य बन सुना सुधारने देवी अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों तेज नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरासिक वसा पंक चर्चित अस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड़गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। नार्यास्तु जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वहीं देवताओं का निवास होता है और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। कथा के रूप में व्यासदेव जी श्रीमद देवी भागवत बता रहे हैं कि एक बार हलाहल नाम वाले महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा तीनों लोकों को घेर लिया और वैकुंठ तथा कैलाश पर आक्रमण कर दिया। तब स्वयं भगवान विष्णु तथा शंकर उनसे युद्ध करने के तत्पर हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। 60,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा और अंत में बड़ी कठिनता से भगवान विष्णु तथा शंकर उन पर विजय प्राप्त कर सके और फिर अपने अपने लोकों में कैलाश तथा वैकुंठ में आकर के अपनी शक्तियों के समक्ष गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष जिनकी शक्ति द्वारा वो युद्ध को जीत सके थे अभिमान पूर्वक कहने लगे कि किस प्रकार हमने उन महापराक्रमी जो दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार उन दोनों की अभिमान पूर्वक बातों को सुन करके दोनों लक्ष्मी तथा गौरी शर्म पूर्वक हास करने लगी जिससे दोनों देवता क्रोधित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे जिससे दोनों शक्तियां गौरी तथा लक्ष्मी भगवान शंकर तथा विष्णु से पृथक हो गई जिससे वो निस्तेज हो गए शक्तिहीन हो गए विक्षिप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या कारण है कि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है सृष्टि में अराजकता फैल गई है। तब उन्होंने समाधि अवस्था में देखा कि दोनों भगवान विष्णु तथा शंकर निस्तेज होने के कारण सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तब कुछ देर तक वो अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि का कार्य करते रहे फिर उन्होंने अपने मानस पुत्रों दक्ष इत्यादि का आह्वान किया और उनके मानस पुत्र उनके सामने खड़े हो गए। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का कार्य संभाले ही हूँ इसलिए उन दोनों शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए असमर्थ हूँ क्योंकि उनके कोप के कारण ही भगवान विष्णु तथा शंकर निस्तेज हो गए हैं शक्तिहीन हो गए हैं इसलिए उनको प्रसन्न करने में असमर्थ हूँ। आप उनकी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न हो और भगवान विष्णु शंकर शक्ति संपन्न हो जाएं क्योंकि उनके कोप के कारण ही ऐसा हुआ है वो क्रोधित हो गई है। तब उनके दक्ष त्यागी मानस पुत्र थे वो हिमालय की तलहटी पर जाकर के दुर्गा माता की आराधना करने लगे। 1,00,000 वर्ष पर्यंत वो दुर्गा माता की आराधना करते रहे। हे माँ आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार कराती हैं आप प्रकट हों। तब माता जी ने प्रकट होकर मंद कोयल के मधुर स्वर में कहा कि देवताओं आपको किस प्रकार का कष्ट है आपका दुख दूर करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ। देवताओं ने कहा कि माँ आप जानती हैं कि आपके कोप के कारण दोनों भगवान शंकर तथा विष्णु निस्तेज हो गए हैं इसलिए आप उनको शक्ति संपन्न कर दो। माता ने कहा कि मेरी शक्तियों का अपमान करने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हुई है उनको कभी भूल करके मेरी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप मेरी लेश मात्र कृपा द्वारा वो पुनः शक्ति संपन्न हो जाएंगे परंतु उनको भूल कर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। दक्ष इत्यादि मानस पुत्रों ने यह भी प्रार्थना की कि हे माँ आपका जन्म हमारे घर में हो। माता ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। दक्ष के घर में सती प्रकट हुई जो पुनः भगवान शंकर जो दी गई और खीर सागर में लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई जिन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला डाली अर्थात वो विष्णु को प्राप्त हुई। तब वो शक्ति संपन्न हो गए और अभिमान रहित भी हो गए। माता ने यह भी कहा कि मेरा जो माया बीज है इसका आपको जाप करना चाहिए और मेरे इस विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा वरदान देकर के माता ने अंतर्धान हो गई। कहने का तात्पर्य यही है कि भूल कर भी हमें
नारी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से सम्मान कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव विराजमान रहते हैं, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति विराजमान रहती है। परंतु शिव भी इन शक्ति में अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूप कुंडली है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं। अर्थात हम ही भक्ति नहीं, देवता इन शक्ति में अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः, इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी देश विदेश में स्मृति मान प्राप्त होता है। और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस इनवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्ति आंटी तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे। 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 सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जय करा शेरा वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानों प्रांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों के मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जय करा शेरा वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली दास, बोल सच्चे दरबार की जय। शेरो वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरो वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार सर झुकाने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। काली प्रभाव देवी है, कई बच्चे हाथ में उठाकर बात कर आज देंगे।
गम ने मारा है गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम में हम किस कदर दब चुके हैं, गम में हम किस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में चंदा छिपा है। हाँ गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं जैसे बादल में गंदा छिपा है। जुल्म वो उठा रहा है जमाना, आ रहा है जमाना, जो बयाने के काबिल नहीं है। जुल्म वो उठा रहा है सर झुकाने के काबिल नहीं है। गुनाहगार है माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हमको परवाह नहीं है जमाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है जमाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। माँ हमको परवाह नहीं है जमाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है जमाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले
सर झुकाने के काबिल नहीं है। कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरोवाली जी का, सारी दुनिया में गूंजे शेरोवाली की जयकार, सारी दुनिया में गूंजे शेरोवाली की जयकार।
जयकार सच्चा है दरबार शेरोवाली की जयकार माता सच्चा है दरबार शेरोवाली की जयकार माता सच्चा है दरबार शेरोवाली की जयकार माता सच्चा है दरबार दुनिया में गूंजे शेरोवाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरोवाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार वो शेरों वाली की जयकार माता सच्चा है दरबार शेरों वाली की जयकार माता सच्चा है दरबार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार दिखाए कन्या रूप में दर्श दिखाए कन्या रूप में दर्श दिखाए कन्या रूप में दर्श दिखाए ज्योति रूप में पूजी जाए ज्योति रूप में पूजी जाए कन्या रूप में दर्श दिखाए कन्या रूप में दर्श दिखाए सच्चा है दरबार माँ की हो रही जय जयकार माँ का सच्चा है दरबार माँ की हो रही जय सच्चा है दरबार माँ की हो रही जय जयकार सच्चा है दरबार माँ की हो रही जय जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार माँ गंगा की शीतल धारा 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 सबसे मीठा नाम प्यारा सबसे मीठा नाम प्यारा सबसे मीठा नाम प्यारा सेवादार तेरी हो रही जय जयकार तेरा धनु सेवादार तेरी हो रही जय जयकार तेरा धनु सेवादार तेरी हो रही जय जयकार सेवादार तेरी हो रही जय जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार जगालो माँ के नाम की जोत जगालो माँ के नाम की जोत जगालो माँ के नाम की जोत जगालो तन मन माँ के रंग रंगवालो मन माँ के रंग रंगवालो तन मन माँ के रंग रंगवालो तन मन माँ के रंग रंगवालो चाहे पैरी हो संसार माँ की हो रही जय जयकार चाहे पैरी हो संसार माँ की हो रही जय जयकार वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली
सुंदर है दरबार शेरवाली की जयकार माता सुंदर है दरबार ओ शेरवाली की जयकार माता सत्ता है दरबार शेरवाली की जयकार माता सत्ता है दरबार सारी दुनिया में गूंजे शेरवाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरवाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे सच्चे दरबार की जय एक घंटा प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जय कर शेरवाली सच्चे दरबार की जय दे छल बाग छोड़वा पवन की
विद्याधरी नित्य कला सुखाय
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवा समिन्धतान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञे गीतेन तं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः। मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सं दीर्घमायुः। अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। तुम को निशि दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत महिषासुरघाती
मन चंचल तेरा ध्यान
बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जय हो बेला जय माता दी, संध्या बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, मां जोतां वाली जय माता दी, लाटां वाली जय माता दी, सोनिया वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, सोफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, बिट्टी रानी जय माता दी, गणेश देवी जय माता दी, सच्चिया जोतां वाली सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, यशो देही दिशो जही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मई आठ पहर सो सठ घड़ी, यो चरणा का ध्यान जय Thank you.
खड़गम चक्र गदेश जाप बलिदान शूलम शुंड शंखम संदत नयना सर्वांग भूषा वृता नीलाश्वास पाद दशका सेवे महाकालिका यावस्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतम मधु जैतव अक्षत्र परशुंगदेशु पुरुष पदमंदनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमतिं च धर्म जलय दंडासुराभाजनम शूलम वाच सुदर्शने च दधति हस्ते प्रसन्नानना सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोयस्थिता घंटा चूलहरानि शंखमुदरे चक्रम धनुसायकम हस्ता भेदलिंगनांत विरस चेता चतुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवान् त्रिजगता आधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुवदे चुंबादि दैत्यादिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिणं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सखियां ज्योता वाली माता तेरी सदा हि जय पंच फुला रानी माता तेरी सदा हि जय सर्वतदा भला करण वाली माता तेरी सदा हि जय सारे संसार विच शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंगड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर 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 बोलो हर 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 बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा मां शेरावालीदा बोलो शांति दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय।